हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ काठियावाड़ी ढोकली की सब्जी की रेसिपी। इस सब्जी को मैं बहुत सिंपल मेथड से बनाने वाली हूँ, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आज का ये मेरा वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा, और अगर अच्छी लगे रेसिपी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले एक बाउल में हमें लेनी है 200 ml जितनी छाछ, यानी कि बटर मिल्क, ये तकरीबन 1 ग्लास जितनी है। अब इसमें डालेंगे 1 कटोरी बेसन, यहाँ पे ये 7 से 8 चम्मच जितना बेसन है। अब बेसन को छाछ में अच्छे से मिला लेना है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले। तो सबसे पहले ये 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया और जीरे का पाउडर, आधी चम्मच जितना नमक डाल देंगे। यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का यूज किया है, जिसे कलर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई गरम करने की रखी है। कढ़ाई गरम होते ही सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ऑयल, 3-4 चम्मच जितना ऑयल लिया है मैंने यहाँ पे। ऑयल गरम होते ही हमें इसमें डालनी है 1/2 चम्मच जितनी हींग। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी प्याज, थोड़ी प्याज हम रहने देंगे जिसको हमें बाद में यूज करना है। प्याज को हमें ब्राउन कलर का होने देना है। हल्का सा ब्राउन कलर आने के बाद हम इसमें ये गोल डाल देंगे जो हमने रेडी करके रखा हुआ था बेसन का। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। इसमें हमें उबाल आने देना है। जब इसमें हल्का सा उबाल आने लगे तब हमें इसे हाई फ्लेम पे ऐसे हिलाते रहना है। इसे हमें कॉन्स्टेंटली ऐसे हिलाते रहना है नीचे से, ताकि ये नीचे चिपके नहीं। इसको हमें गाढ़ा करना है, तेज आंच पे इसे हिलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है यहाँ पे, लेकिन हमें थोड़ा और गाढ़ा करना है। इसके लिए हम और हिलाते रहेंगे इसे, ये तकरीबन 10 से 12 मिनट जितना टाइम लेता है ऐसे ठीक होने में। ये देख सकते हैं आप, ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब स्टोव को ऑफ कर लेती हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने एक प्लेट ली है जिसको मैंने ऑयल से ग्रीस करके रखा हुआ है। अब इस गोल को हम इसमें निकाल लेंगे। इसको हमें अच्छे से प्लेट में स्प्रेड कर लेना है और 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद जब ये सेट हो जाए तब इसे हमें हाथ से ऐसे चेक कर लेना है, ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसको हमें स्क्वायर पीसेस में कट करना है, मीडियम साइज के पीस में ऐसे को कट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई गरम करने की रखी है। कढ़ाई गरम होते ही हम इसमें डालेंगे फिर से 2-3 चम्मच जितना ऑयल। ऑयल गरम होने के बाद हमें सबसे पहले इसमें डालनी है हींग। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये सूखी लाल मिर्च और करी पत्ता, ये हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च ली है मैंने यहाँ पे। अब इसमें हम डालेंगे प्याज जो बची हुई थी वो। इसके साथ हम डाल देंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। प्याज को हमें ब्राउन कलर का होने तक पकने देना है। प्याज जब अच्छे से ब्राउन कलर की होने लगे तब हम इसमें डाल देंगे ये 150 ml जितनी छाछ। छाछ डालने के तुरंत बाद हमें इसमें डालना है नमक। नमक डालने से ये फट नहीं जाती है। आप कभी भी दही का इस्तेमाल करते हैं सब्जी में तो तुरंत नमक डाल दीजिए, ऐसे ऐसा करने से ये जो है वो फटता नहीं है। इसके बाद डालेंगे धनिया और जीरे का पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1/2 चम्मच इतना हल्दी पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च से तीखापन नहीं होता है और कलर बहुत अच्छा आता है सब्जी का। अब इसको हमें उबलने देना है।
इसमें जब उबाल आने लगे तब इसमें डालेंगे आधी चम्मच जितना गरम मसाला। गरम मसाला को इसके साथ भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें जो हमने ढोकली के पीसीस रेडी करके रखे हुए थे वो। यहाँ पे मैंने थोड़े पीसेस छोड़ दिए हैं जिसको मैं बाद में यूज़ करूँगी। इसको मिला के ये देखिए ये अच्छे से पीस पे कट हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो बचाए हुए पीस थे इसको हम ऐसे हाथ में मसल के डाल देंगे। ऐसा करने से सब्जी जो है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। इसको मिक्स करके हमें तकरीबन 5 मिनट के लिए उबलने देना है। ये सब्जी आप किसी भी भाखरी रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है खाने में। यहाँ पे ये सब्जी ऑलमोस्ट रेडी है। अगर आप तुरंत खाना चाहते हैं तो इसे थोड़ी देर और रहने दीजिए, या फिर 10-15 मिनट के बाद इसे यूज करना है तो स्टोव ऑफ कर लीजिए। ये अपने आप थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी 10-15 मिनट में। तो ये हमारी सब्जी रेडी है।